वो जाए और बच्चों को वहां फेंके, क्योंकि मकसद ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप जी बच्चों को फेंके, मकसद ये है हम ये नहीं चाह रहे कि बच्चों की जान जाए, मकसद ये हम ये नहीं चाह रहे कि बच्चों का कत्ल हो। अब उसके लिए कुछ ऐसे इकदाम जो बज़ाहिर लोगों को गलत लगे लेकिन वो उठाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे हम कह रहे हैं आप वहाँ सीसीटीवी एक्सेस ना दें, ताकि उनको समझे अगर हम यहाँ रखे कोई हमें पकड़ेगा नहीं, सीसीटीवी हमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो एक एलिमेंट है जिस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। नाज़रीन कश्मीर लाइफ के स्टडियो में आपका खुश आमदीद। आज की मुलाकात में हम बात करेंगे बच्चों के हवाले जो मसाइल हैं, ये बहुत ही नाजुक मसला है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रो ही सकता है और डॉक्टर ही बता सकता है कि मामला क्या है। कभी पेरेंट्स भी नहीं समझते कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है। हमने काफ़ी टाइम से देखा है कि बच्चे बरामद होते हैं और जिनके पेरेंट्स का नाम निशान नहीं होता है, फिर वो किस मुसीबत से गुजर के किसी और के मुतबना बच्चे अडॉप्टेड बच्चे बन जाते हैं, वो एक लंबी कहानी है। तो आज हमने इस सिलसिले में आज की मुलाकात की इस सीरीज में हमने दावत दी है एक यंग वकील को, 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटी से बाहर आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, बदरुद्दीजा साहब। बदरुद्दीजा साहब आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया। शुरुआत इस बात से करें नाज़रीन, ये जो यंग लॉयर एडवोकेट मेरे साथ, इनका एक्टिविज्म शुरू पहले से हुआ जब ये वकील भी नहीं थे, कॉलेज में थे तो उन्होंने एक पिटिशन बनाई कि बच्चों का बैग बहुत हैवी होता चला जा रहा है और इस पर काफी लेदे हुई। बदर उसका क्या हुआ फिर, उस आपकी पिटिशन का जो आपने अमर सिंह कॉलेज में जब आप स्टूडेंट थे वो किया था? तो उसमें ऐसा हुआ कि उसमें फिर जब वो पिटिशन चली कोई 3-4 साल वो चली, कंटेंप्ट पिटिशन हुई जो आपको मालूम है जो केसेस में होता है, फिर अल्टीमेटली उस जजमेंट के सबब कानून में तरमीम हुई, कुछ जम्मू कश्मीर स्टेट एजुकेशन रूल्स में तरमीम हुई, उसमें एक प्रॉपर प्रोविजन इंक्लूड किया गया और जिसमें फिर स्टेट जो हेड्स ऑफ द स्कूल्स है उनको ये जिम्मेदारी रखी कि तुम जो है स्कूल बैग्स रेगुलेट करोगे, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है और रिकग्निशन है स्कूल की वो कैंसिल करेगी। फिर उसके बाद अलग से डायरेक्टर एजुकेशन ने कोई 3-4 सर्कुलर्स और ऑर्डर्स निकाले, लेकिन मैं ग्रास रूट बात कर रहा हूँ, कानून भी आया उस पर, फिर स्टेट स्कूल बैग पॉलिसी भी नाफिज हो गई एज़ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल बैग पॉलिसी भी नाफिज हुई, एक्ट में भी तरमीम हुई जो मैंने वो केस किया था उसकी भी जजमेंट आई, उसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड जो है अभी स्कूल बैग्स फिर भी बारी है, क्योंकि मैं समझता हूँ उसके लिए एक राउंड और क्लॉक ओवर द ईयर काम करना है, सुपरवाइज करना है। लेकिन क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है और ओवरऑल, क्योंकि बैग आज ही से नहीं थे और किताबें आज से पहले भी थी और रहेंगी भी डिजिटल एज के बावजूद, लेकिन क्या एक पॉलिसी है ग्लोबल बच्चे को एक खास उम्र तक उसके वजन के हिसाब से उसकी रीढ़ की हड्डी की ताकत के हिसाब से उसको किताबें उठाने की इजाज़त दी जाए? कितना वजन उठा सकता है बच्चा मान लो प्राइमरी तक? मेरा ख्याल है उठा सकता है लेकिन 5 किलो नहीं उठा सकता, इट शुड बी लेस देन एटलीस्ट 3 किलो। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्राइसिस है हैवी स्कूल बैग्स की, लेकिन वो कहते हैं अब देखिए जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ता है वो थोड़ी ना 5 किलो का बैग उठाएगा, उसको कम से कम 2 किलो, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। हम जो इसके मुहरिकात है जो कमर का दर्द है, जो हड्डियों की इनको वो अंडर डेवलपमेंट होती है, जो मसल्स की अंडर डेवलपमेंट होती है, उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि जो उसके असरात है वो जब वो 50-60 साल के होते हैं तब वो बाहर निकलते हैं, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फिनोमेना है। और पहले भी स्कूल बैग्स थे लेकिन स्कूल बैग्स पहले इतने भारी नहीं थे, आज क्योंकि स्कूल बैग्स में किताबें भी है, डायरी भी है, रफ भी है, पाउच भी है, लंच भी है, उसके अलावा एक और स्कूल की अलग एक डायरी होती है, पहले इतना हाल बुरा नहीं था।
बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एजुकेशन ऐसे इवॉल्व हो गया है कि जितना बच्चा छोटा हो उतना उसका बैग भारी होता है, और जितना वो आगे आगे बढ़ता है तो एक स्टेज ऐसा भी आता है कि वो किसी किताब के बगैर ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज चला जाता है। लेकिन बदर मैं चाहता हूँ कि हम असल इशू की तरफ आए जिसके लिए बात करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ कश्मीर में काफ़ी टाइम से, आज की बात नहीं उस बहुत पहले से, कि बच्चे अबेंडन किए जाते हैं। बिल्कुल यूं ही उनका जन्म होता है तो हम उनको अजीब अजीब जगहों से दरियाफ्त करते हैं, कभी दरियाओं से उनकी लाशें बरामद होती हैं, कभी जहाँ कूड़े करकट के ढेर हों वहाँ सो। तो मामला क्या है? देखिए मामला ऐसा है कि ये भी मैं बताऊँ, ये ऑल ओवर दुनिया में ये दिस इशू, बच्चों को फेंका जा रहा है, जिसको बाज लोग बेबी थ्रोइंग बोलते हैं और कुछ लोग बेबी अबेंडनमेंट कहते हैं, और उन उन जगहों पे फेंका जाता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। अब देखिए वो वॉइसलेस है, बच्चा थोड़ी ना चिल्लाएगा जो कोई एक महीने का हो या कुछ दिनों का हो, वो वल्नरेबल है। तो आप उसको फेंकते कहाँ हैं? आप उसको गारबेज डंपिंग साइट्स पे फेंकते हैं, जहाँ नदी नाले आप उनको वहाँ फेंकते हैं, या कोई कोने में किसी सड़क के जो तनहा रास्ता हो वहाँ पे फेंकते हैं। फिर होता क्या है कि उस बच्चे की इंजरीज होती है या उसकी वफात होती है, क्योंकि कुत्ते, फिर फ्रैक्चर होता है, फिर इन्फेक्शंस होते हैं, फिर अगर आप उसको रिकवर भी करते हैं, छोटा बच्चा इम्यूनिटी उतनी होती नहीं, एज अ रिजल्ट ही डाइज। और कश्मीर में हम जहाँ तक देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसकी क्या वजह है? देयर आर मल्टीपल रीजंस टू दिस, लेकिन जो एक अवेयरनेस है वो नहीं है, लोगों को ये नहीं पता। अब अगर कोई बच्चा है, पहले तो हम नहीं चाहते कोई बच्चों को फेंके, लेकिन अब खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसा सोच भी रहा है, लेकिन उस जगह पे रखे जहाँ पे उसकी जान बचे, कोई कत्ल ना करे इन छोटे बच्चों का। वो हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा वबा जो है वो जम्मू कश्मीर में फैल रहा है, खसूसन कश्मीर में। तो आपने इस सिलसिले में, क्योंकि आप जुवेनाइल इश्यूज के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं और सेंसिटिव भी हैं, तो आपने इस सिलसिले में क्या किया? मेरी कुछ वालिदैन से बात हो रही थी, जिनका हाल ये है कि जिनके बच्चों के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, खासकर ऑटिज़म, खासकर डाउन सिंड्रोम, तो वहाँ से ये बात दरियाफ्त हुई कि ये जो ट्रेंड है कश्मीर में बच्चों को फेंकने की, ये बढ़ रही है। फिर मैंने आलमी सतह पे इंटरनेट पे और रिसर्च इस बारे में की, कुछ एक्टिविस्ट जो है जो इंडिया से, उनसे बात की, वकीलों से बात की, पुलिस वालों से बात की, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू इट। वहाँ मुझे पता चला अक्रॉस द वर्ल्ड एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं क्रेडल्स, बच्चों के झूले जो है वो उन जगहों पे रखे जाते हैं जो हॉट स्पॉट्स है फॉर बेबी थ्रोइंग, जैसे नदी नाले, जैसे गली, जैसे नदी नाले, जैसे गारबेज डंपिंग साइट्स, वहाँ पे क्रेडल्स रखते हैं इस सोच से कि अगर खुदा ना खास्ता बदकिस्मती से किसी को अपना बच्चा फेंकना हो, वो उसको कूड़े में ना फेंके, वो उसको झूले में फेंके, ताकि स्टेट जो है, स्टेट की एजेंसीज है, वो उस बच्चे को रिकवर करे। और जब मैंने इस बारे में मालूमात हासिल की, तो मैंने एक, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, मैंने एक लेटर लिखी टू कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शीतल नंदा। मैंने लिखा कश्मीर में जो है ये वबा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और खासकर उन बच्चों को फेंका जा रहा है जो या तो ऑटिस्टिक है, या जो डिसेबल्ड है, या तो जो बच्चियां हैं, या फिर वो बच्चे जो आउट ऑफ वेडलॉक जन्मे, उनको ख़ास तौर पर फेंका जा रहा है। वो भी फेंका जा रहा है कूड़ेदानी में, पानी में, फिर उनके साथ क्या होता है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उन बच्चों की, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, किसी ने कहाँ लिया, क्या किया, किसको मालूम, और रिपोर्ट भी नहीं ये चीज़ें होती है, क्योंकि हम कश्मीरी कहते हैं कि पर्दा करो इन बातों का, इससे बदनामी होती है। मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप क्रेडल सेटअप करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रेडल्स बनाए जाते हैं, आप ये क्रेडल सेटअप करें, इन हॉट स्पॉट्स पर लगाए, इससे बहुत हद तक प्रिवेंशन होगी। और लकीली फिर कुछ माह बाद मुझे इतला मिली कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सारी गवर्नमेंट एजेंसी जो रिलेटेड है टू चाइल्ड वेलफेयर उनको फॉरवर्ड की, और तब से ये सिलसिला चालू हो रहा है कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्रेडल्स बनाए जा रहे हैं, खसूसन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर, इसलिए कि जो बेबी अबेंडनमेंट है, बेबी थ्रोइंग है, इसको वो रोके। मसले को समझने से पहले आपने शायद ये भी दरियाफ्त किया होगा कि व्हाट आर द रिपोर्टेड केसेस। हम तो वो नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन कुछ रिपोर्टेड केसेस, जो चीज़ पब्लिक आती है, वो चीज़ सरकार की एजेंसीज की नोटिस में आ जाती है, तो कितने वाकात कितने हो रहे हैं? मैंने जहाँ तक रिपोर्ट्स दरियाफ्त की, न्यूज़ कश्मीर के न्यूज़ ने भी इसको बड़ा रिपोर्ट किया है, इंडिया में भी रिपोर्ट किया, फिर मैंने खुद से आरटीआई किया। आरटीआई से मुझे बस दो
हॉस्पिटल्स ने इतला दी। एक तो हमारा एलडी हॉस्पिटल है जिनको मैंने इन्फॉर्मेशन ये मांगी थी कि 2010 से लेकर अगस्त 2023 तक एलडी हॉस्पिटल ने कितने बच्चे रिकवर किए जो बेबी जो एबंडेंट थे या जिनको फेंका गया था, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिली कि 52 बेबीज़ वेर रिकवर्ड एंड आउट ऑफ दोज 52 बेबीज 7 बच्चों की जान चली गई थी, तो दे पास्ट अवे। लेकिन उसमें खुशाइन बात यह है कि 45 बच्चे जो है उनको एलडी ने रिकवर किया, केयर किया और सब्सिक्वेंटली उनको एडॉप्शन के लिए दिया। उसके साथ हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो पहले जीपी पंत हॉस्पिटल हुआ करता था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पिछले अगस्त 2010 से लेकर अगस्त 2023 तक उनके पास 29 बच्चे आए जो बेबी अबेंडन का शिकार थे, जो उन्होंने अपने पास रखा और अपने पास केयर किया। लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि फिर उन 29 बच्चों को उन्होंने क्या एडॉप्शन के लिए किया या फिर उनमें से कितनी की वफात हो गई, वो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरे पास श्रीनगर के इन दो बड़े हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से शेयर की है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होंगी, रिपोर्ट आती हैं कभी किसी श्राइन के सीढ़ियों पर, किसी मस्जिद के सहन में या अजीब अजीब जगहों पर, लेकिन उसका शायद इंदिराज किसी और जगह होगा तो शायद वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंच पाती। मैं तो समझता हूँ ये जो मेरे पास डेटा है, ये 52 बच्चों का एलडी में, ये जो 29 बच्चे हैं सीढ़ी, ये तो किस्मत वाले हैं। कम से कम कोई तो आया जिन्होंने इनको रिकवर किया, कम से कम कोई तो आया जिन्होंने इनको रिकवर किया फिर इनको एडॉप्शन के लिए दिया। जिन बच्चों की हम बात करें वो तो हजारों में है, कुपवारा में है, हंदवारा में है, बांदीपुरा में है, शुपियन में है, वो रोज़ आए थे। हम फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं जिसमें कश्मीरी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें, बच्चों को ऐसे ना फेंके। कोई रिपोर्ट नहीं है, ना किसी को मालूम है उनके साथ क्या हुआ और ना ही उस पर कोई बात करे। सरकार ने आपको ये तो बता दिया कि उन्होंने क्रेडल्स इंस्टॉल की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्या आपने खुद देखा कि ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, तो फिर मुझे इतला मिली मीडिया से कि रामबन में, जम्मू में, वहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सरकार की एक एजेंसी है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, इन कोलैबोरेशन विद देम तो ये क्रेडल्स बनाए जा रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि श्रीनगर में ख़ास तौर पर, श्रीनगर में जितने भी आपके मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एलडी है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है, चाहे वो स्किम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनको भी एक लेटर गई है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से कि ये जो लेटर हमें बदरुद्दीन ने भेजी है इसके ज़िमन में आपको भी हम इतला करते हैं, वी डायरेक्ट यू टू इंस्टॉल क्रेडल्स। तो वहाँ से ये मुहिम जारी हुई। मैं चाहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल महज श्रीनगर और जम्मू में ही नहीं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो मैं चाहता हूं वहां भी जो है वो क्रेडल्स लगाया जाए ताकि सही से नमूदार हो। और एक और एलिमेंट जो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो मैंने भी सोशल वेलफेयर को लिखा था और उन्होंने भी, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो कह रहे क्रेडल्स, दूसरा कह रहे साइनेज, जहाँ पे बाज़ाबिता दूर से ये लिखा हो कि क्रेडल्स यहाँ पे है, ताकि अगर किसी को ऐसा कोई गलत काम करना हो उसको मालूम हो कि नहीं बच्चों को फेंके ना, बच्चों को क्रेडल्स में रखे। ब्रदर साहब, मसला ये भी है कि जो भी करता है वो बच्चों को मुसीबत समझते हैं उनके हिसाब से, तो फिर वो उनको दूर करते हैं, फर्क करते हैं, तो लेकिन वो लोगों के सामने कैसे करें? इसीलिए तो वो प्रॉब्लम है कि कूड़ेदानों में फेंकते हैं, दरिया में फेंकते हैं, तो लेकिन अगर आप फॉर्मली क्रेडल्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो इससे उनकी एनोनिमिटी मुतासर हो सकती है। देखिए, इसमें एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा डिस्कस्ड हुआ जब हमने ये लेटर भेजी। इसमें एक और एलिमेंट है कि जब उन माँ बाप ने ये ठान लिया कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, लिहाजा उनको बच्चे को फारे करना है, लेकिन वहाँ से हम इसको एक फॉर्मल तरीके से क्रेडल्स बना रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये होगा कि हम क्रेडल्स रखें कि कहीं हमें पकड़े ना, इसमें राटें वहाँ पर ये आता है कि आप CCTV वहाँ पर ना लगाए, ताकि उनको समझ आए यहाँ CCTV एक्सेस नहीं है, जिससे वो विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो जाए और बच्चों को वहाँ फेंके। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप जी बच्चों को फेंके, मकसद ये है हम ये नहीं चाह रहे कि बच्चों की जान जाए, मकसद ये हम ये नहीं चाह रहे कि बच्चों का कत्ल हो। अब उसके लिए कुछ ऐसे इकदाम जो बज़ाहिर लोगों को गलत लगे लेकिन वो उठाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर हम कह रहे हैं आप वहाँ CCTV एक्सेस ना दें, ताकि उनको समझे अगर हम यहाँ रखें कोई हमें पकड़ेगा नहीं, CCTV हमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो एक एलिमेंट है जिस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफी काम कर रहा है। अब दूसरी बात है, चलो अस्पताल के इहाते के अंदर अगर हो, हालांकि मुझे लगता है कि वो भी अजीब है क्योंकि कोई अबेंडेंट स्पेस वो भी कहलाएगी,
आपने कमरा रख दिया अस्पताल में और कोई आ गया बच्चा छोड़ दिया, आप किसी को पता नहीं मैनेजमेंट से वहाँ बच्चा किसी ने छोड़ दिया है, तो क्या पता उस बच्चे का भी क्या हाल होगा। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने कोई बड़ा गंदगी का ढेर है जहाँ ये जहाँ से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए होंगे, तो आपने उसके आस पास बगल अगल बगल में क्रेडल्स इंस्टॉल की, तो वो भी अबेंडेंड है, तो अब यहाँ कुत्तों की पॉपुलेशन इतनी है कि वो इन क्रेडल्स में भी बैठ जाएंगे, तो बच्चों की जगह कहाँ रहेगी। तो इसका कोई तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, क्या कहाँ हो, जहाँ वो कहते हैं ना वो कहावत है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसमें खासतौर पर वो क्रेडल्स, इसमें एक दूसरे किस्म के क्रेडल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं कि बारिश ना पड़े, जो वो एलिमेंट है ना कि खुदा ना खास्ता कुत्ता साइड में आएगा वो हमला ना करे, उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं। और हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड या तो नदी नाले हैं या कूड़े का ढेर है, लिहाजा इन दोनों पर ख़ास फोकस कर रहे हैं। लिहाजा मैंने कोई 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखी कि अजराए करम जितने भी डंपिंग स्पॉट्स हैं, गारपेज स्पॉट्स हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, लिहाजा यहाँ पे सैनिटेशन अफसर का, वार्ड अफसर का, हेल्थ अफसर का रोल है, लिहाजा आप भी इसमें सर अंजाम हो, आप भी इस पर काम करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा ना, वी कैन लेट बेबीज डाई, वी हैव टू लुक ऑन टू समथिंग, एट लीस्ट वी विल बी एबल टू, इफ नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम विल बी एबल टू प्रिवेंट एंड दे। और एक और देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, ये बड़ा सेंसिटिव है, कोई ऐसा ना लगे कि हम जो है वो शैतानी अमल जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, या आइदर वी आर प्रमोटिंग एडल्ट्री और प्रोमिस्क्यूटी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बेसिकली इंसानी जान की हिफाजत करें कम वट में। आपको ये बात भी समझनी होगी, एडॉप्शन के कितने क्राइसिस है कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में। रिपोर्ट्स है कि हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 40,000 बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। चाइल्ड लेस कपल्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफर्टिलिटी इशू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। IVF के ट्रीटमेंट लाखों के हैं। माँ बाप पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो बच्चे की मोहब्बत में, बच्चे की आमद के लिए सारे गायनोकोलॉजिस्ट IVF सेंटर जाते हैं बेगम का इलाज करने, क्योंकि औलाद हो। अब देखिए, एक तरफ से आप बच्चों को फेंक रहे हैं कूड़े में, तो वो कत्ल हो जाए कि नहीं, माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से माँ बाप के अल्लाह से दुआ वो है कि कहीं से कोई औलाद दे। तो अगर हम इफ़ वी आर एबल टू प्रोटेक्ट, इफ़ वी आर एबल टू प्रिवेंट बेबी थ्रोइंग द सेम चिल्ड्रन आर यूज फॉर एडॉप्शन टू दोज चाइल्डलेस कपल्स ऑल्सो, तो इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ का भी एलिमेंट है। क्योंकि अगर LT हॉस्पिटल ने 52 बच्चे पिछले 10-15 साल से रिकवर किए, 52 में 47 बच्चे उन्होंने एडॉप्शन को दिए, ये 47 बच्चे किन फैमिलीज़ के पास गए, ये उन फैमिलीज़ के पास गए जो पिछले 5-6-7-8 साल से जो औलाद की याद में दुआ गो है। तो खैर बद्र साहब, इस आज की मुलाकात के आखिर में मैं पूछूंगा, आपने अभी तक अपनी पिछले 2-4 साल में 2 पिटिशन किए हैं। एक पिटिशन तो आपने स्कूल बैग्स के बारे में की, उसमें कानून बन गया, मामला हल हो गए, लेकिन बैग का वजन जो का तू रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा पिटिशन है क्रेडल्स के हवाले से, ये एक सेफ ऑप्शन बन जाए उन लोगों के लिए जो किसी डर से, कभी रिज़्क के डर से, कभी और जो मामला हैं उनकी डर से अपने बच्चों को अबेंडन कर रहे हैं और बाहर फेंक दें, उनको थोड़ा एक सेफ ऑप्शन मिल जाए। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटीज़ में बच्चे फेंके ना जाएं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो बच्चे पैदाइश के वक्त ही जिनको कुछ खामियां हों उनके वजूद में फिजियोलॉजिकल, तो उसकी वजह से बच्चे फेंके ना जाएं, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन ये तो बता दीजिए बदर साहब, आपका तीसरा पिटिशन क्या होगा। तीसरा पिटिशन कोई है नहीं, लेकिन एक केस है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो डिसेबिलिटी पे है, कि जो डिसेबिलिटी की जो तादाद है हिंदुस्तान में 5 करोड़ एक्टिव डिसेबल्ड सिटीजन्स है एज पर 2011 सेंसस। तो डिसेबिलिटी एक बड़ा इशू है इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड। अब डिसेबिलिटी सेंसिटिव टर्मिनोलॉजी आई है। अब वो दिन गए कि हम किसी को मजाक में बोलते थे कि ये मेंटली अनफिट है, ये अंधा है, ये मेंटल है, ये रिटार्डेड है। आज वैसे वर्ड समझे जाते हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ डिसेबिलिटी, या ज़माना आया डिसेबिलिटी इंक्लूसिव। लिहाजा आप देखते हैं पूरी दुनिया में अब डिसेबिलिटी इंक्लूसिव लैंग्वेज है। अगर कोई मेंटल, आप किसी को मेंटली रिटार्डेड नहीं बोल सकते, आपको उसको कहना है इंटेलेक्चुअली इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। मेंटली रिटार्डेड आपको नहीं कहना है, लूनेटिक आपको नहीं कहना है।
आपको किसी को अनफॉर्चुनेट नहीं कहना है, आपको किसी को हैंडीकैप्ड नहीं कहना है, इससे उनकी बड़ी तौहीन होती है। और ये माहरीन नफ्सियात की भी बहुत सारी इस पर रिपोर्ट्स है कि इससे उनको बहुत ज़्यादा डिमीन किया जाता है, क्योंकि उनका नाम है, आप किसी को उसके नाम से बुलाएं, आपको क्यों कहना है कि ये जी बेसा क्यों पे चलता है, आपको क्यों कहना है ये जी पागल है, उस शख्स का भी नाम है। अब ये है उसकी कोई बेचारे के मर्ज है, उस मर्ज के भी एक वर्ड्स आए हैं प्रॉपर जो डिग्निफाइड वर्ड्स है। इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड कानून बन गए हैं जो कहते हैं आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो प्राइवेट की, आप किसी भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल को, आज तो आप उसको डिसेबल्ड भी नहीं बोलते हैं, आप उसको स्पेशली एबल्ड या स्पेशल नीड्स पर्सन बोलते हैं। तो उसी जमन में हमारा एक केस चल रहा है हाईकोर्ट में, जहाँ हम कह रहे हैं डिसेबिलिटी सेंसिटिव टर्मिनोलॉजी है, वो अखबारों पर, वो स्कूल के किताबों में, वो कानून में, वो कोर्ट के ऑर्डर्स में, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में, नोटिफिकेशंस में, वो वहाँ पे नाफिज किया जाए। और एक एक्ट है जो नेशनल एक्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेलिब्रल पाल्मिसी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें हमने चैलेंज किया है वर्ड मेंटली रिटार्डेशन को। हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन वर्ड जो है ये यूएन ने ऑलरेडी कहा है ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए वो फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसका मुतबादल वर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, लिहाजा मेंटल रिटार्डेशन वर्ड वी शुड डू अवे विद और उसकी जगह रिप्लेस करना चाहिए मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इंपेयरमेंट। इस बारे में कुछ ऑर्डर्स पहले भी आए थे, कम्युनिकेशन हुई थी सरकार की तरफ से, आप उम्मीद करेंगे कि आपका जो नया केस है इस बारे में भी आप सक्सेसफुल रहें और पूरी तरह सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू। और जब इसका ऑर्डर आ जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको फिर तकलीफ दे देंगे, वो बहाना मिल जाएगा आपसे फिर बात करने की। तब तक के लिए बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।